केवल एक चुटकी रात में और सुबह पूरी तरह से पेट साफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, किसी भी बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी और लंबे समय तक टिकेगी। इसी तरह से हमारा पूरा शरीर भी बिल्डिंग है और इसकी नींव है हमारा स्टमक, यानी कि हमारा पेट। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, सुबह मल प्रॉपर पेट से बाहर नहीं निकल रहा, पेट क्लीन नहीं हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा पेट अगर दिन में अच्छे से साफ नहीं हुआ है तो हमें 20 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, खाना जब पचता है तो पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल में, जिसे हम मल कहते हैं, इसमें बहुत सारे पैंक्रियास होते हैं और बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में बाहर नहीं निकल रहे तो ये हमारी आंतों की दीवारों में जाकर चिपक जाते हैं, और जब ये आंतों में चिपकने लगते हैं तो धीरे धीरे यहाँ फफूंदी आने शुरू हो जाती है और हमारे शरीर में बीमारियाँ होना शुरू होने लगती है। आज के समय में दोस्तों 8 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको या तो कब्ज की समस्या है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है, अगर किसी भी घर में 5 लोग रहते हैं तो उनमें से कम 3 लोगों को जरूर ये प्रॉब्लम होगी। वैसे ये कहा जाता है कि जब कब्ज रहने लगे तो इसका डायरेक्ट असर हमारे लीवर पर पड़ता है, जिससे लीवर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे पेट में फैट बढ़ने लगता है और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। लीवर के सही से काम नहीं करने के कारण इसका असर हमारी स्किन पर और बालों पर भी पड़ने लगता है। स्किन सूजी सूजी स्वेलिंग सी आने वाली दिखती है और बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। इसका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो आंतों में सूजन आ सकती है। आंतों के अंदर खून की नसें जो होती है उनमें सूजन आ सकती है। इसके अलावा आंतों में जख्म हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जिसका पेट हमेशा साफ रहता है वो हमेशा ही स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कब्ज का बेजोड़ इलाज। जी हाँ, इसका इस्तेमाल काफी लोगों ने किया है, आप भी कीजिए और कब्ज से छुटकारा पाइए। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कब्ज होने का रीजन क्या होता है, इसके पीछे के कारणों के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के कारणों के बारे में देखें तो शरीर में पानी की कमी की वजह से ये समस्या आती है। वैसे आज के समय में 70 से 80% लोगों को शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से कब्ज की समस्या देखी जाती है, या जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनमें भी कब्ज की समस्या देखी जाती है, क्योंकि शराब पीने से दोस्तों शरीर में पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कब्ज दोस्तों स्ट्रेस की वजह से भी होता है, या फिर वो लोग जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर उम्र बढ़ने के कारण भी पाचन शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो कब्ज की समस्या हो जाती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ फाइबर वाला फूड या फिर लाइट फूड खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं इसके उपाय के बारे में। इसके उपाय को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है दोस्तों जीरा। जीरा हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक रस को बनाने का काम करता है। इससे भोजन का पाचन अच्छे से होने लगता है और कब्ज दूर होती है। इसके अलावा दूसरी चीज है अजवाइन। अजवाइन दोस्तों आंतों में जमे हुए मल को सॉफ्ट कर देती है, जिससे मल पेट से आसानी से पास हो जाता है। तीसरी चीज है सौंफ। दोस्तों सौंफ मल पास होने के प्रोसेस को तेज करती है। लास्ट चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है काला नमक। काला नमक हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है और बदहजमी को दूर करता है, ब्लोटिंग को दूर करता है। तो अगर आपको खट्टी डकार आने की समस्या है तो उसे भी ये दूर कर देता है। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है। यहाँ हमने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा लेना है और उसे तवे पर भून लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ भी मिक्स कर देनी है और 1/2 चम्मच इसमें काला नमक मिक्स कर देना है। इन चीजों को अच्छे से मिक्स करके इन्हें ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर तैयार कर लेना है। यहाँ हमने ये पाउडर तैयार कर लिया। इस पाउडर का, इस चूर्ण का 1/2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल ले और इसका सेवन आपने रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद भी करना है। इसके अलावा मैं आपको एक उपाय और बताने वाली हूँ। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कब्ज की समस्या 2 से 3 साल पुरानी है तो आपने कैस्ट्रोल ऑयल का इस्तेमाल करना है, यानी अरंडी के तेल का इस्तेमाल करना है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। रोजाना 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल आपको दूध के साथ रात को लेना है।
या फिर आप इसे सुबह सुबह एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को दूध पीते हैं और आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो आप दूध में एक चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर पीजिए। रात को पीने से सुबह आपको मोशन बहुत अच्छे से आएगा, बहुत अच्छे से आपका पेट साफ हो जाएगा। आपने इसका इस्तेमाल 9 से 10 दिन रोजाना करना है। 10 दिन के इस्तेमाल से आपकी कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको परहेज बताऊंगी और कुछ साधारण यानी बेसिक सी चीजें भी बताऊंगी जिसका आपको ख्याल रखना है। आपको मैंने यहाँ दो रेमेडी बताई है, एक तो कैस्टर ऑयल वाली और दूसरी जीरा, अजवाइन, सौंफ और काले नमक वाली। ये दोनों उपाय तो आपको करने ही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपने मैदे वाली चीजें, जंक फूड, इनको नहीं खाना। इसमें फाइबर नहीं होता। आपको पता ही होगा कि जिन चीजों में फाइबर नहीं होता वही कब्ज की वजह बनती है, पाचन को खराब करती है। दूसरी बात, आपको देर रात तक शराब या सिगरेट का सेवन नहीं करना। इससे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। आपको चाय या कॉफी भी नहीं पीनी, ये आपके डाइजेशन को खराब करती है। कम से कम 30 मिनट के लिए आपको योगा एक्सरसाइज रोजाना सुबह जरूर करनी है। तो दोस्तों, आप इस रेमेडी को फॉलो करिए, इन बातों का ध्यान रखिए, यकीन मानिए आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।